कौन सा काम है भाई? पंचकुला दे के रहे है भाई, क्यों करके एक और आ गया है? अच्छा पॉइंट छह बजा दी, पहला ही रुक जाएगा, पहला कितनी थी? 168.8 थी भाई। अच्छा इब 170.6 भाई। अरे यार मतलब वो दो वैर थे, कितनी बढ़ाई तेरी टोटल? मेरी पॉइंट छह बढ़ाई। अच्छा कैसा लगे रवैया इनका? ठीक है भाई, का ठीक है जी, बढ़िया काम कर लग रहे। चलो बढ़िया लगे। कौन सा काम है? गोरखपुर भाई, गोरखपुर हिसार जान गया, फतेहाबाद में गए वो। चलो बढ़िया भाई साहब, एक बात तो तुम पहुंचा सकते हो इस बात को कि मतलब लड़कों की कभी तो ज्यादा बैठ जाती है, कभी कम बैठ जाती है, इसका क्या मतलब है? हम आर्मी से फिट बन रहे हैं फिर हमको निकाल दिया जा रहा है, क्या रीजन है इसका? अच्छा मैं आर्मी में फिट हो चुका हूँ, एसएससी में फिट हो चुका हूँ, मेरी 170 बैठती है फिक्स, यहाँ पे 168 उतारी थी पहले आया था, क्या रीजन है इसका? इसको तुम पहुंचा सकते हो हमारे जरिए, हम कुछ नहीं कर सकते। स्टाफ बॉय है, कोर्ट में केस हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने दोबारा बुला लिया, हमें यहाँ भेज दिया, फिर से हमारे साथ वही होगा जो पहले हुआ था। इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो मशीन चेंज होनी चाहिए, या फिर दूसरी मतलब इस तरह का स्टैंड होना चाहिए कि उसमें सेंसर नहीं हो। इसमें हम वैसे ही अटक जाते हैं, होपलेस हो जाता है बच्चा वहाँ जाके, चार चार बार जो गर्दन को पकड़ के यूँ करते हैं साले, पता ही नहीं चलता क्या बना रहे हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा पकड़ कर नौकरी जाए क्या? हाँ मतलब वो जो गर्दन को पकड़ के, गर्दन को पकड़ के, और सबसे बड़ी बात तो है 2 सेंटीमीटर की गलती है इसमें, मशीन में सभी मशीनों में गलती है, एक बार ज़्यादा आ जाती है एक बार कम आ जाती है, क्या रीजन है इसका? ये कोई सेंसिटिव मशीन है क्या? हाँ ठीक बात है, जो एक बार कुछ दिखाओ एक बार कुछ, या तो कोई तरीका नहीं यार, तुम जानते हो इस बात को, मतलब कि एक बार तो सही आ रही है फिर दोबारा में कम हो गई, एक बार पूरी बैठ गई, क्या रीजन है इसका? इस मशीनों को अगर कोर्ट ने हमारे लिए फैसला दिया है तो मशीनों को चेंज क्यों नहीं किया? चेंज करवाओ ना इन मशीनों को, तब होगा हमारा फिजिकल न्याय, तब दोबारा से केस करेंगे ऐसा ही। वास्तव में मैं केस करूँगा, मैं केस करूँगा, अभी तो मैं नहीं किया था लेकिन अब मैं करूँगा, मशीन चेंज होनी चाहिए तब फिजिकल होगा हमारा। ये मशीन ऐसी मतलब इस तरह की मशीनों पर हम फिजिकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मशीनों में गड़बड़ी है 2-2 सेंटीमीटर की, और लड़कियों का तुम्हें पता है पहले से कि जो लड़की कॉन्स्टेबल में फिट थी उनको भी निकाल दिया गया, क्या रीजन है? एक सर्विस मैन को निकाल दिया, क्या रीजन है इसका? ये चीज़ तो सब ने दिखी थी, हमने वीडियो बनाई और भैया ने वीडियो बनाई थी। हम पागल हैं क्या? मतलब मैं राजस्थान से हूँ, मैं चौथी बार आ रहा हूँ यहाँ, हर बार 3,000 रुपये खर्चा होता है, सरकार दे देगी क्या हरियाणा सरकार मेरे को? ना ठीक कह रहा भाई, दे सकता है क्या? कैसे कैसे बरसात हो रही है, कपड़े गीले हो रहे हैं साले, पता ही नहीं है वो अंदर बैठे हैं, निकाल दिया उन्होंने तो पॉइंट की रह गई, निकाल दे चल हटा इसको, वो समझते नहीं है लड़कों की फीलिंग को। मतलब हम परेशान हो रहे हैं, कभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं तो कभी यहाँ आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, क्या रीजन है इसका? कुछ तो होना चाहिए ना इस बात का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भाई साहब तुम पहुँचा सकते हो? देखो ना कोई चक्कर नहीं भाई, बढ़िया, मन ने भी तेरी बात समझी हुई है, ठीक लग गया भाई, मन ने भी तेरी बात में दम लग गया, लग गया कि मैं मतलब सह भाई राना बाड़ा लग लाग रहा है, पॉइंट आते ये कर लाग रहे हैं, अरे मशीन का भाई बालक बतावे हैं, कल भी एक भाई बताओ था, बोले एक मशीन ने पूरी बिठा दी, दूसरी ने घाट बता दी। भाई साहब सुनो, मतलब मेरी पहले मैं पहले बार आया था ना तब कम उतारी थी, फिर दूसरी मशीन पर गया उस पर ज्यादा बैठा दी, इसका क्या मतलब है? वो बालक का दिमाग तो खराब हो गएगा फिर, कि मतलब घर वाले परेशान हो जाते हैं सारे, तेरे लिए पैसे कहाँ से लाएं? तू चार चार बार हरियाणा जा रहा है, तू 3,000 रुपए का खर्चा होता है तेरा, क्यों जा रहा है वैसे ही? फिर घराड़ा की भी सुनो, अराड़ा के फिर, और ये हकीकत है कि फेल हो के मतलब पहले बैठाई थी उतनी ही बैठेगी अभी भी, अब कौन से वो मशीन चेंज थोड़ी ना की इन्होंने, कोर्ट का फैसला आया तो इसका क्या रीजन रहा? कुछ नहीं रहा ना, अगर कोर्ट ने फैसला सुनाया तो पहले यह होना चाहिए था कि मशीन चेंज करो, मशीन चेंज होने के बाद हमारा फिजिकल होना चाहिए था। हम पागल हैं क्या? दोबारा से निकल के यहाँ से चले जाएंगे लौट के, कोई मतलब नहीं निकला इस बात का, इस बात को तुम पहुँचाओ, कोई ना पहुँचा। देखो मैं तना बता दी, मैं घेर दूंगा वीडियो तेरी, घेर तो देंगे वीडियो, लेकिन वीडियो घेरने से कोई मतलब नहीं निकलता भाई यार। देखो मेरे हाथ में तो इतना एक्शन है कि नहीं, अपना ये मानस जुड़ रहे हैं यहाँ पर, दिखा दें पब्लिक ने। साहब यार तुम जानते हो कि अरे कौन है पेपर पास करना, पहली बात तो लड़के के लिए सबसे कठिन बात है पेपर पास करना, पेपर के बाद फिजिकल में आना, और फिजिकल में भी हमें उस बात का दुख नहीं है कि मेरिट में हम कैसे रह रहे हैं, मेरिट में रहने हम कैसे रह रहे हैं, मेरे 68 क्वेश्चन है, 4 अच्छा। नंबर एक्स्ट्रा है, मेरिट में रहूं या नहीं रहूं इससे क्या मतलब है? लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि मतलब मेरे को उसी में निकाल दिया जा रहा है जिसमें मैं फिट हूं। हां एक तो अपनी काबिलियत पर शक होता है ना, लगा मैंने अपना 100% लगाया, मैं अवेलेबल हूं ना, उसमें निकाल रहे हैं मेरे को, वो तो फिर ज्यादा दिमाग खराब हो जाए उस चीज में, कोई सोल्यूशन दिखा ना फिर, कुछ ना पूछे ऐसे हो जाता है। हां समझ गया मैं तेरी इज्जत बतन भाई, तू ठीक कर रहा है, मतलब लड़कियां रोती हैं तुम्हें, कल देखा मैंने, कल देखा भाई प्रोग्राम
देख रहा है ना, हाँ कल मार ही था। थोड़ा तो मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये वीडियो हम तक नहीं पहुंचती क्या? वो नहीं देखते इन सबको भाई, देखो लेवल हाई क्या हुआ है। मरना तो हम जैसों का है ना, छोटे वालों का, उनका लेवल हाई है। वो तो साले बैठे हैं ऊपर, उन्होंने क्या है, उनको भेज दिया ऑर्डर है कि दोबारा से नाप दो, दोबारा से नाप दिया, 3 दिन का टाइम दिया, सबको फ्री करके बाहर निकाल देंगे। 10 बंदे ले रहे हैं क्या? कल कितने बंदे लिए थे? ऐसे सुनने में आया कि भाई छोरियां, हाँ ये नितनी सुनी थी, 260 में का 5-6 उनका नापने का क्या मतलब हुआ दोबारा? कोई मतलब नहीं है ना, इतनी बहुत कम। भाई साहब इस चीज का सोल्यूशन यही है कि हम दोबारा से केस करेंगे कोर्ट में जाके, और मशीन चेंज होनी चाहिए। इस तरह की सेंसर, जो ये सेंसर वाली मशीन है ना, हम इस पर हाइट नहीं नप पाएंगे, हमारा ये वो है। आगे इस बात को तुम पहुंचाओ। चलो बन गई है वीडियो, घेर दूंगा तेरे यूट्यूब पर दोपहर तक है। बाकी हाँ घेरेंगे यार, पक्का गेम तो सबकी घेरे, अगर टेंशन मत ले, घेरेंगे भाई। तेरी देख रहा हूँ रोज, भी देखता हूँ। नहीं कोई नहीं, देख रहा हूँ जब से एग्जाम चालू हुआ था इसका, तेरी वीडियो में रोजाना देख। वो देखो अपने हाथ में है, पब्लिक तक पहुँचाना, कोई एक्शन हो ना हो यार वो हाथ में नहीं है ना। वो तो यार तुझको भी पता है कि मतलब निकाल क्यों रहे, इसका तुझे 2 सेंटीमीटर की गलती है मशीन में, 2 सेंटीमीटर की गलती है भाई साहब, कहीं भी दिखवा सकते हो। अगर हाँ अगर ऐसा ही है ना ये स्टाफ, तो दूसरा फीता ला के नाप ले हमें, अगर हम फीता से पूरी नहीं बैठे तो चैलेंज है इसके लिए। फिर हम फिर उस वो जगह हम पे केस करना, हम पे केस करना, ये पूरा स्टाफ फीता ला के नाप हमको दूसरे फीता से, ओरिजिनल फीता से, ये मशीन में गड़बड़ी है उसको नहीं देख रहे। और उस फिर क्या होगा, उस तम भी हो जाओगे, हाँ भाई मारे में कमी है, तम मान जाओ भाई साहब कमी हो जब तो कमी। वो ही तो कह रहा हूँ, अगर साफ साफ पता चल जाए, अब तो तेरे अंदर ये हो रहा है यार मेरी गलती, फिर भी बिना बात की सजा मिलगी, इस तरह का हो रहा है तेरे भीतर। मैं खुद देख रहा हूँ रोजाना, लड़कियाँ रो रो के, हाँ काले लड़की रो जाते हैं एक बार, लेकिन लड़कियाँ नहीं पहुँच पाती इस जगह, कहीं से आ रही है कोई कहीं से। ठीक बात है भाई, कैसी परेशानी है, उसके पास उसके माँ बाप आ रहे हैं साथ में, वो परेशान है, छोरी आगे गेला कर के भी आवा हैं, रिजेक्ट होके जा रहे हैं कि कुछ नहीं है तुम्हारा, पहले जैसा ही है जाओ। इसका क्या मतलब हुआ, कोर्ट में केस किया, क्या फैसला हुआ? कुछ नहीं, दोबारा से वापस फेल हम। चलो भाई देखो यार, भाई देखो तन्ने बता दिया, कोई सुनेगा, किसी के दिमाग में आया पड़ी भाई, किसी ने लग गया मुद्दा काम का है, तो कुछ हो सका है, मेरी ना बनाइए भाई जो मामला। बात तो आपकी सही है, इसकी बनाओ ना दोस्त, मेरी के बनाओ, इसकी बनाओ ना, हाँ मेरी बनाओ मैं बता। भाई साहब यार अब इसको तुझे पहुंचाना, और वो आज फेर हो गया के पोट्टा, भाई इधर देख पोट्टा, तू पहले भी अंदर पहुंच गया था, खत्री ने तेरे को अथॉरिटी दी, अंदर गया था उस टाइम पे, तुझे बोलना चाहिए था। अब तू कोशिश कर खुद अंदर जा, वो खत्री से मैं नहीं करूंगा भाई, सीधी बताऊं अडे, मैं नहीं करूंगा, नहीं नहीं आई, मैं कुछ नहीं, मेरा तो अपना चैनल है यार, मेरे चैनल के माध्यम से तुम कुछ भी बताओ, पर मेरे तो मत कहो यार। आप सुनो, आप इतना तो पहुंचा सकते हो खत्री तक कि ये क्या हो रहा है, लड़के परेशान क्यों है, इसका कोई सॉल्यूशन देख यार आपके पास। अब मेरा मेरा जो है इस तरह जुड़ रहे यूट्यूब, मैं एक लड़ा उससे थोड़ी बात बनेंगे, इस पर देखेंगे यार। तो वो नहीं देखते ना, हम तो रोज ना देखते थे यार, मैं थोड़ी कुछ कर सकूं, हम तो रोज देख रहे हैं इसको, मैं मेरे द्वारे देख, यो प्लेटफॉर्म है, यो फोन है, इस वीडियो बना है, पोच है, मतलब देखा ना देखा वो नहीं कर सकता। अगर तू मेरे तो पर्सनल का काम, मानूंगा नहीं भाई एक भी बात, वही तो बात है। हाँ। अब सॉल्यूशन तभी तो नहीं रहो, तू तो रोजाना वीडियो डाल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। देखो भाई क्या कर रहे हैं, पर यार मैं इन डेटा में यार समझा तू, मैं क्या मतलब यार इन चीज़ है, अब हम लेंगे पंगा, हम मैं तारी तू है, तू कद भी मैंने बोला भाई मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा, उड़े मैं गेल हूँ यार, हम दोबारा से कोर्ट में केस करेंगे। इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि कोर्ट को हमारी जो हाइट है ना, दूसरी उस मशीन पर नपेगी, इस सेंसर वाली मशीन पर हम हाइट नहीं नप पाएंगे। ठीक है, यो कहना जो है अटका केस लगा तेरा, क्या दोबारा केस कह रहा है? दोबारा लगेगा पक्का, जो लड़के है ना पहले से लगा रखे हैं वो भी उनमें से क्या फिट हो जाएंगे? वो जरूरी थोड़ी है, जिन लड़कों ने लगाया है जो फिक्स बंदे हैं उनका क्या हो जाएगा, ये जरूरी है क्या? है? उनके लिए यही दुख है कि मतलब 2 सेंटीमीटर की मशीन में गड़बड़ी है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यही होगा, किसी मशीन पर जाके तो ज्यादा बैठ रही है, किसी पर कम बैठ रही है। हाँ कल भी उस भाई ने बताई थी, कल वो रात वाली देखी होगी, एक मशीन पर कम फालतू लिख रखा मैंने, देख रहा हूँ भाई साहब, बंदा अभी सुना रहा था, मतलब उसकी एक उस पे तो आ गई हाइट तो बैठ गई, लेकिन चेस्ट नहीं बैठा, पर उससे बोला तू दूसरी मशीन पर जा, दूसरी पे गया उस पे चेस्ट बैठ गया, उसकी हाइट ले। चलो कल भी जाओ, मुद्दा आयो आज भी है, तने बढ़िया बताई है, देखो भाई क्या भाई साहब सोल्यूशन होना चाहिए पक्का, चाहिए तो क्या हुआ यार, अंगाला सका पा दो सरकार है राजस्थान में, शानदार VIP कुछ नहीं होता यार, मतलब एक बात और, जो ये हाइट का ये वो दिया है ना इसमें, पहले से ही दे रखा है कि मतलब जनरल वालों के लिए 170 चाहिए, और जो BCA कैटेगरी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 168 है, इसका क्या मतलब है?
क्या जनरल वालों के डीएनए में 170 पहले से डाला जाता है क्या? डाला जाता है क्या? तू बता मेरे को इस बात को। यार ये मैं तो क्या बताऊँ, तेरी अपनी समझ है भाई, तू कुछ भी कहे। सुने तुम क्या कहो इसकी बात पहने के तुम बता दो। ठीक है, यही बात है। एक तो एक ऐसी चीज है जो सबकी समान होती है यार, पढ़ने में चल मान लिया कि मतलब जनरल वाले थोड़े से फास्ट होते हैं, मान रहा हूँ मैं इस बात को, तो उसका सोल्यूशन तो हमारा यो भी तेरी अपनी समझ है, यो भी कोई सच्चाई ना है कि पढ़ने वाले जनरल राइट में इनकी फालतू तेरी सारी तेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सच्चाई का, बात को ना हो रही है सच्चाई की। जनरल वालों के डीएनए में 170 पहले से और बीसीए वाले के में 168, ये क्या चीज है भाई साहब? लंबाई तो सबके लिए समान होनी चाहिए ना। अब जनरल वाले ये थोड़ी ना कि सभी 170 वाले निकलेंगे, चलो बीसीए वाले सभी 168 वाले निकलेंगे। कह रहा बंदूक वो उठाओगा, मतलब 168 वाले भी वो उठाओगा और 170 वाले भी वो उठाओगा, सबके लिए समान होनी चाहिए ना। सबके लिए समान होनी चाहिए तब तो कुछ फैसला हो सकता है, इसका नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये तेरी समझ में समानता ये है भाई साहब, हरियाणा सरकार जो वेरी रिजेक्टेड सरकार है, कभी नहीं अगर राजस्थान में होती ना भगवानी कसम कुछ मत पूछे तू। चलो राजस्थान की वीआईपी सरकार है एकदम यार। चलो ठीक, बहुत बढ़िया बताई। क्या नाम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मैं भरतपुर। भरतपुर राजस्थान है, जबरदस्त है भाई। गुर्जर गुर्जर शेर है, गुर्जर। चलो राम राम बने रहो भाई। अगर हमारे वहाँ होता तो आंदोलन करके ही कर देते। अच्छा गुर्जर, हाँ गुर्जर भाई शेर है, गुर्जर शेर है। ये रे ये खड़े दो शेर क्यों डक्का तड़का को ते डोरा। अरे को रे ना का को दो रे, कौन सा वो अरे का को ते क्यों डके देवर। अरे कोर गांव है कितलाने के है वो कठवाड़े चीते हैं उड़े भी। चलो बने रहो, ये छागे रहे राजस्थान वाले गुज्जर ना, तो दोबारा से आंदोलन लगा देते। आरक्षण के लिए लगाया था 5% के लिए, लेके हटे थे पटरी वटरी सब क्रॉस। अरे ये छाजा है, चलो भगवान कसम ये हरियाणा है साला। अरे कोई ना, बस तू देख यह बात तूने गलत कह दी, क्या बात है, बुद्धि पकड़ लेंगे तेरी। जब तुझे पता है पहले नू मत देख, तू तो सरकार से कह रहे कोई बात नहीं, तू नू कहेगा ना हरियाणा साला बकवास था फिर फांसी गाल जाएंगे। हरियाणा सरकार सरकार गई है तो भाई है तू अपना। चलो ठीक है, राम राम बने रहो, छावेंगे रहो भाई भरतपुर वाला। एक तरफ पास आ रहे भाई, बहुत बढ़िया।